नहीं रे। तो ऐसी 12 जगह है जो जिसमें से 3 तो महाराष्ट्र में है, एक औरंगाबाद में, एक घर पीछे बहुत बड़ा डैम है, डैम वेलकम सुस्वागत है, नमस्कार, मैं हूँ नकुल शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल नकुल लाइव। और मैं आज चला हूँ रोड ट्रिप पे, वो भी मोटो ब्लॉग करने वाला हूँ बहुत टाइम बाद। आई थिंक मोटो ब्लॉग मैंने लास्ट किया था आई थिंक बहुत महाबलेश्वर, उसके बाद मैंने मोटो ब्लॉग किया ही नहीं। तो दिस इज़ माई मोटो ब्लॉग और ये मोटो ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होगा। ये स्पेशल इसलिए होगा बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ सर्किट टूर। अभी सर्किट टूर क्या होता है मैं आपको रास्ते में बताता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो चलते हैं और रास्ते में बात करते हैं। चलो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं निकला हूँ एक सर्किट टूर पर। आप एक डेस्टिनेशन पर ट्रैवल नहीं कर रहे, यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन। तो अभी मैं भीमाशंकर जा रहा हूँ, ये नहीं मैं सिर्फ भीमाशंकर जा रहा हूँ, मैं कहीं और भी जा रहा हूँ, उसके लिए अलग ब्लॉग बनेगा। तो बेसिकली देर आर 3 स्टॉप्स, 3 डेस्टिनेशंस जो मैं कवर करूँगा आज और कल। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है, ग्रीन एनवायरनमेंट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत यार ट्रैफिक है यार, मुझे सुबह निकल जाना चाहिए। बड़ी 8 बजे भी मतलब, हाँ 8 बजे लोग जाते हैं ना, 10 बजे का टाइम है। थोड़ा सा स्लिप हुआ था, आई डोंट नो हाउ। वाओ बीच में मिट्टी है, शिट मैन, तो नसीब में थोड़ा धीरे चला रहा हूँ मैं तो भाई, गेम का हो गया मुझे काफी बचा लिया। मार गए जेब में वही जोर कर गावे नहीं रे। मैं जा रहा हूँ भीमा शंकर, मैं अकेला भाई। हालत देखो मेरी, ऑलमोस्ट 7:30 बजे निकला था मैं यहाँ से घर से और 1 बजे पहुँचा, और ये सारा ताम झाम निकालने के लिए ये देखो सारा ताम झाम निकालने के लिए मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगे। और अब टेंशन ये है कि ये अभी बैग के राखू का
अभी ये पैदल चल के उधर लेके जाना पड़ेगा मेरे को, मैं किसी दुकान में रखना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी। बस चलते हैं एक बार सब हैंग कर लूँ, उसके बाद से देखते हैं, क्योंकि ये जो जैकेट है बहुत हैवी है, बट मज़ा आया, राइडिंग वॉज अमेजिंग। अब तो और बाकी है बॉस, जैसे बस शुरुआत है। चलो ये इतना चलना पड़ रहा है, हाँ जितना चलना पड़ रहा है उतना उतरना पड़ रहा है, सॉरी, और ये चढ़ना पड़ेगा इसके बाद। और भाई बहुत बैग वैग सब रख दिया, बैग जैकेट और हेलमेट ये दुकान पर रखा है, आई होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन। हमारा नाम लोग रख दिया, आगे देखते हैं फटाफट। हाँ मंदिर आ गया, दर्शन अच्छे से हो गए, अभी वापस मेरे दूसरे डेस्टिनेशन पे, बहुत अच्छा लगा। तो आपको काफ़ी अच्छा लगे यहाँ पे आके, दर्शन खाली थे, एकदम मस्त है, कोई भीड़ नहीं। अच्छा लगा देख के, तो अभी मैं जाके खाना खाऊंगा, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, नथिंग। तो अभी अच्छा, अभी आपको अच्छे से बताता हूँ, यहाँ से मैं जब मैं गया सब बैग वैग लेके, क्योंकि कपड़े का बैग भी और सब ये सब है मेरे पास, तो अभी प्रॉब्लम ये था कि मैं रखूँगा, क्योंकि मेरे पास कैमरा है, लैपटॉप है, सब कुछ पूरा तामझाम है मेरे साथ, तो रखूँगा। वो तो आगे एक नींबू पानी बेचे थे एक जन, तो उन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया था, उन्होंने बोला अपने पास रख लो, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था बिकॉज सब वैल्यूबल है, तो बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आप रख दो। स्टिल मैं अपने लैपटॉप मैंने अपने पास कैरी किया, बाकी सब कैमरा वैमरा जैकेट हेलमेट सब मैंने वहाँ रख दिया। मैं वहाँ पर गया, दर्शन किए, आराम से 15-20 मिनट में बैठा, और वहाँ पे फिर दर्शन पूरा खाली था, मतलब बहुत कम लोग थे, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत एकदम बोलते ना फुर्सत में, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब दर्शन करके मैं सोचा नहीं था कि इतने बढ़िया दर्शन होंगे मेरे भगवान से। तो बहुत कुछ मांगा भगवान से, सबके लिए मांगा, और अच्छा लगता है। और फिर आने के बाद जैसे मैंने सामान छोड़ा था, मुझे वापस मिल गया, बहुत अच्छा लगा। और आप भी आइए, और ये ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग लाई थी, तो ऐसी 12 जगह है जहाँ, जिसमें से 3 तो महाराष्ट्र में है, एक औरंगाबाद में, एक त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास, और एक ये भीमाशंकर, और एक सोमनाथ में है गुजरात में, और एक द्वारका में है, एक आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन, एक रामेश्वरम है तमिलनाडु, और एक 2 मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, और कौन सा है फिलहाल इतना याद है मेरे को। तो ये इतने सारी जगहें हैं, केदारनाथ भी है, हाँ तो ये सारी जगहें हैं, तो जाके आप विज़िट कर दो, बहुत बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ द एंट्रेंस, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, आप जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हो अच्छे से, और ज़्यादा नीचे नहीं है, हार्डली आपको कुछ 5 या 10 मिनट लगते हैं चल के जाने में। तो व्लॉग अभी एंड नहीं कर रहा हूँ, पहले खाते हैं, आपको भी थोड़े से दर्शन कराते हैं यहाँ के खाने के। चलो, और ये हम आ गए हैं कहाँ, पेट की शांति के लिए, पहले मन की शांति करके आए, अब पेट की शांति, थोड़ा खाएंगे तो फटाफट निकलेंगे, क्योंकि जहाँ पे बुकिंग की भी है उधर 4 बजे का चेक इन है। खाना तो आपने देख लिया अच्छे से, तो बहुत भूख लगी है, स्वाद लग रहा है देखने में, फटाफट खाता हूँ, फटाफट निकलता हूँ, ताकि फटाफट उस घर टाइम पे पहुँचूँ और वहाँ पे भी एंजॉय करूँ, ठीक है। तो अभी व्लॉग एंड नहीं कर रहा, जगह काफ़ी अच्छी है, माहौल अच्छा है, भूख बहुत लगी है, तो मुझे खाना चाहिए, ठीक है, स्वाद लग रहा है, एक मिनट मैं देखता पहले कैसा, लेट मी टेस्ट दिस।
प्रॉपर ढाबा स्टाइल बाय। आई कैन रेजिस्ट राइट नाउ। बाय, खा के मिलता हूँ। हाँ तो गाइस, ये जंगल है भीमशंकर का, बहुत अच्छा दिखता है। जैसा राइड करके आओगे, ब्यूटीफुल। एज यू कैन सी मेरे पीछे बहुत बड़ा डैम है। डैम पता है, मुझे पता है ये भीम रिवर है, और इस वजह से इस जगह का नाम भीमशंकर पड़ा। और अभी बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है यार, ये देखो, वापस देखो, सही है ना। इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में, राइडिंग में, आपको सब शॉर्ट्स दिखाने में। तो गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना इस व्लॉग के ख़त्म होने के बाद। और अब मैं नए लोकेशन पर जा रहा हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्ता ला विस्ता, आदियो, सायोनारा, मस्सिदानिया, खुदा हाफिज़, शबा खैर, और आपका दिन शुभ रहे।